राजधानी वासियों को रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सराय काले खां में बने नवनिर्मित फ्लाईओवर का उद्घाटन रविवार को किया है। हम आपको उस फ्लाईओवर की तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं फ्लाईओवर बना है जिसका उद्घाटन रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। ये जो फ्लाईओवर है ये रिंग रोड पर सराय काले खां के पास लगने वाले जाम से लोगों को राहत देगा। और ये जो फ्लाईओवर है जो ट्रैफिक आपका गाजियाबाद ITO और ना पारसे ईस्ट दिल्ली की तरफ से आती है जो अभी नीचे से यात्रा करती है, देख सकते हैं यहीं से नीचे से ये यात्रा होती है और इस वजह से यहाँ जाम अक्सर सराय काले के पास रिंग रोड पर लगता है और ये भीषण जाम लग जाता है और लोगों को जाम में जूझना पड़ता है, गाड़ियाँ रेंगती हुई नज़र आती है। लेकिन इसी समस्या के निदान को लेकर दिल्ली सरकार के PWD के द्वारा इस फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। अब इस उद्घाटन के बाद जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रिंग रोड पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और जो जाम है लोग जो रोज जूझते थे उससे लोगों को राहत मिलेगी। अब देख सकते हैं इस फ्लाईओवर को और इस फ्लाईओवर से जो लोग ITO गाजियाबाद यमुना पार्क की तरफ से आएंगे वो इसी फ्लाईओवर के जरिए जो है इस आश्रम की तरफ रिंग रोड की यातायात करेंगे। हम आपको तस्वीरें उस फ्लाईओवर की दिखा रहे हैं। ये उद्घाटन होने के कुछ समय के बाद लोग भी आवाजाही इस पे कर सकेंगे। हालांकि अभी जो है टेंट वगैरह लगा हुआ है जिस वजह से अभी लोग यातायात आपको करते नज़र नहीं आएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद इसकी यातायात शुरू कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं कितना हेवी ट्रैफिक है। बता दें जो रिंग रोड है दिल्ली का उसको दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाती है और एक योजना है दिल्ली सरकार की जो रिंग रोड है उसके ट्रैफिक को स्मूथ किया जाए, जाम फ्री किया जाए और उस दिशा में काम जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो ट्रैफिक है वो आश्रम की तरफ से यहाँ पर आ रहा है और ITO की तरफ जा रहा है। बता दें यहाँ पर एक फ्लाईओवर पहले से ही बना हुआ था जिसका एक लेन मतलब आश्रम की तरफ से ITO की तरफ जाने वाले लेन का निर्माण पहले ही हो चुका था। काफ़ी पहले से फ्लाईओवर था जो सिंगल था जो एक तरफ से वन वे था, लेकिन अब उधर से भी आने को लेकर के इस नए फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है और उम्मीद है कि इस फ्लाईओवर के निर्माण के बाद जो रिंग रोड है वो जाम मुक्त होगा और आश्रम और सराय काले खां के बीच जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल सिग्नल फ्री होगी। और इस फ्लाईओवर के बनने के बाद रिंग रोड पर दावा है कि जो ट्रैफिक है वो एम्स सराय काले खां के बीच बिल्कुल सिग्नल फ्री हो जाएगी। आप देख सकते हैं यही वो नवनिर्मित फ्लाईओवर है जिसका जो है निर्माण PWD के द्वारा कराया गया है और जो लाखों लोग जो गाजियाबाद NH24 ईस्ट दिल्ली और ITO की तरफ से आते हैं उनको सराय काले खां के नीचे जाम में फंसना पड़ता था, लेकिन अब इस फ्लाईओवर जो तीन लेन का फ्लाईओवर बना हुआ है इस फ्लाईओवर के जरिए लोग सराय काले खां पर बिना फंसे हुए बिना जाम में रुके हुए वे लोग सीधा आश्रम की तरफ चले जाएंगे। बता दें इस फ्लाईओवर को बनाने में करीब 50 करोड़ की लागत आई है और इसकी शुरुआत जो है जुलाई 2022 में हुई थी और यह जो फ्लाईओवर है वो 620 मीटर लंबा है और इसकी शुरुआत जो है जुलाई 2022 में हुई थी और इसको पहले ही बन जाना था लेकिन कई बार इसकी डेडलाइन बढ़ी है, देरी हुई है, लेकिन फाइनली इस फ्लाईओवर का निर्माण करा लिया गया है और कर लिया गया है और इसका उद्घाटन रविवार को मुख्यमंत्री ने कर दिया है और इसको एक बड़े तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। इस फ्लाईओवर के जो शुरुआत होने के बाद लोगों को रिंग रोड पर सराय काले खां के पास लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। बता दें यहाँ पर अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और लोगों को उस जाम में जूझना पड़ता है, लेकिन इस फ्लाईओवर के बनने के बाद शुरू होने के बाद लोगों को जो है जाम है उससे निजात मिलेगी। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक।